ओम नमः शिवाय। माघ मास कृष्ण पक्ष सोमवार अष्टमी तिथि दिन में 2:28 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में दिन में 2:29 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। स्वाति नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, लोकप्रिय, सफल व्यापारी, देवताओं और ब्राह्मणों के भक्त होते हैं। ऐसे जातक संवेदनशील, न्यायप्रिय, स्पष्टवादी, पूर्वानुमान लगाने में कुशल, अद्भुत स्मरण शक्ति वाले, तर्क शक्ति में प्रवीण और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और राहु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज भी चंद्रमा पर मंगल की अष्टम दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र राहु का होगा, जिससे अतिरिक्त कार्य क्षमता का लाभ होगा। नेतृत्व करने की क्षमता पैदा होगी और कुशलता से हर कार्य करने में सफल रहेंगे, मगर राहु के नक्षत्र से निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करने में दिक्कत होगी। अनिश्चितता का अभाव और मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना भी संभावित है। अपने सामान के प्रति सचेत रहें, गायब होने या चोरी होने का अंदेशा भी बनता है। आज का दिन ऋण चुकता करने के लिए विशेष है, अच्छा है, मगर आज ऋण लेने के लिए निषेध है, ऋण नहीं लेना चाहिए। आज का राहु काल प्रातः 7:30 से 9 तक लगा रहेगा। इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए अथवा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। मेष राशि के जातक ऊर्जावान महसूस करेंगे, हर काम आसानी से संपन्न होंगे, मगर कुछ कामों में भ्रमात्मक स्थिति कायम रहेगी और साझेदारी के कामों में सावधानी रखनी चाहिए। निजी सुख संतुष्टि में कमी, मां के स्वास्थ्य की चिंता, जमीन जायदाद संबंधी विवाद और दोषारोपण इत्यादि की संभावना भी बनती है, सावधानी अपेक्षित है। आपकी कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर कुछ कामों में देरी हो सकती है, मगर निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी, प्रयास जारी रखें। अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतें। वृष राशि के जातकों का स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सचेत रहना चाहिए, नकारात्मक विचार संभावित है और मन में अनाप शनाप दुश्चिंताएँ आती रह सकती हैं। अपना मनोबल कम ना होने दें। हालांकि आपकी कार्य योजनाएँ सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, पारिवारिक सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी, निजी निवेश में शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य होगा, सफलता के लिए प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए अनुभव प्राप्त होंगे, रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। चंद्रमा की स्थिति 5वें घर में सक्रियता को बढ़ाने वाली होगी और नई कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा, मगर कुछ कामों में भ्रमात्मक स्थिति भी बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, आर्थिक मामलों में सोच समझ कर उचित निर्णय लेना चाहिए, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मौसम संबंधी होने वाले संक्रमण से सावधान रहें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी, आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम करने में संपन्न होंगे, सक्षम होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुके हुए काम संपन्न होंगे, बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है, मगर अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए टाल दें। वैचारिक तालमेल और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें, साथ ही साथ सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता मिलेगी, सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी, आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। चंद्रमा पराक्रम भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला होगा, निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मगर कुछ मामलों में अनावश्यक वाद विवाद, दोषारोपण, विरोध का सामना करना पड़ सकता है, सावधानी बरतें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रहना चाहिए।
कन्या राशि के जातकों के लिए निजी निवेश में रुकावट की संभावना बनती है। मानसिक दबाव के साथ ही अनिश्चितता का माहौल महसूस होगा। हालांकि सकारात्मक पहल सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेंगे। सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। साझेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है। नई व्यवसाय की योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें मगर अधिक आर्थिक जोखिम वाले निर्णय लेने से बचें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही विरोधियों की साजिश से सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि वाले जातकों की दिवा स्वप्न और कल्पनाशीलता की प्रवृत्ति बढ़ी रहेगी। यदि मन केंद्रित रहा तो रचनात्मक सक्रियता विकसित होगी। आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी मगर आर्थिक पक्ष के निर्णय लेने में और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। चंद्रमा वैभव में चल रहे हैं। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में बहुप्रतीक्षित काम पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता और सरकारी सहयोग भी संभावित है। विदेश यात्रा का योग भी बनता है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। साथ ही यात्रा के दौरान अपने सामान के प्रति सचेत रहें। चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। धनु राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे मगर आर्थिक लेन देन के साथ ही साथ व्यावसायिक लाभ संबंधी सावधानी, अनावश्यक वाद विवाद, वाणी में उतावलापन और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी संभावित हैं। मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। आज का दिन कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों, राजनीतिक व्यक्तियों और सहयोगियों के साथ बीतेगा। चंद्रमा दसवें घर में राहु के नक्षत्र में है। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। निजी रिश्तों में सुधार और साझेदारी में लाभ संभावित है मगर वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक सावधानी अपेक्षित है। आय संबंधी मामलों में विरोध की संभावना बनती है मगर नई कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है और कुछ कामों में विवाद और दोषारोपण की संभावना भी बनती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियों में तनाव के साथ साथ भावनात्मक लगाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। छोटी यात्रा भी संभावित है मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। चंद्रमा के आठवें घर में राहु के नक्षत्र में चलने की वजह से मन में नकारात्मक भाव, उत्साहहीनता की स्थिति और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उतार चढ़ाव भी संभावित है। आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा मगर आर्थिक जोखिम वाले आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।